राजस्थान में लोक सेवा आयोग एक बार फिर से विवादों में है। प्रदेश के चर्चित सब इंस्पेक्टर भर्ती एग्जाम 2021 पेपर लीक मामले में एक बार फिर बड़े खुलासे हुए हैं। एसओजी ने 5 ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया है, जिनमें पूर्व आरपीएससी सदस्य का बेटा और बेटी भी शामिल है। बताया ये जा रहा है कि पिता के आरपीएससी कार्यकाल के दौरान दोनों ने लिखित परीक्षा पास की थी, जिसके बाद अब बाप, बेटी और बेटा तीनों पेपर लीक मामले में सलाखों के पीछे है। इससे पहले रामू राम रायका को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ के बाद एसओजी ने आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामू राम रायका को रिमांड पर लिया है। रायका से पहले एसओजी ने आयोग सदस्य बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार किया था। और आपको बता दें कि फिलहाल कटारा आरपीएससी के निलंबित सदस्य हैं। एसओजी की इस कार्यवाही के बाद आयोग की विश्वसनीयता और साख पर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी एक बार फिर आरपीएससी के पुनर्गठन करने की मांग उठा दी है। उन्होंने कहा है कि सितंबर 2023 में ईडी ने आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार किया था। कटारा की गिरफ्तारी सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में हुई थी। अब एसओजी ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामू राम रायका को गिरफ्तार किया है। उन्होंने लिखा कि गहलोत सरकार के दौरान विपक्ष में रहते हुए बीजेपी ने भी आरपीएससी को भंग करने का वादा किया था, मगर सत्ता में आने के बाद अभी तक सरकार अपना वादा निभा नहीं पाई है। अब आप देखिए कि बार बार आरपीएससी को भंग करने की मांग उठ रही है, मगर क्या आरपीएससी को भंग कर पाना उतना आसान है और इसके लिए प्रावधान क्या क्या है, अब चर्चा इसी पर करेंगे। देखिए, आरपीएससी एक संवैधानिक संस्था है और बिना किसी ठोस और मजबूत कारण के इसे भंग नहीं किया जा सकता। प्रावधानों की यदि बात की जाए तो इनके मुताबिक आरपीएससी के किसी सदस्य को हटाना है, उसे भंग करना है या फिर नए सदस्यों के पद सृजित करने हैं तो राज्य सरकार को एक प्रस्ताव बनाकर पहले केंद्र सरकार को भेजना होगा और केंद्र सरकार के माध्यम से इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति तक भिजवाना होगा। राष्ट्रपति के आदेश के बिना इस मामले में कुछ भी हो नहीं सकता है और इसका उदाहरण आरपीएससी के निलंबित सदस्य बाबूलाल कटारा है। शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार हुए काफी समय बीत चुका है, मगर आप देखिए कि संवैधानिक प्रक्रिया के चलते बाबूलाल कटारा सदस्य पद से हट नहीं सके हैं। राज्य सरकार ने कटारा को बर्खास्त करने का प्रस्ताव काफी समय पहले से ही राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को भेज रखा है। संविधान के अनुच्छेद 317 के मुताबिक लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या फिर किसी अन्य सदस्य को उसके पद से सुप्रीम कोर्ट की जांच में दोषी पाए जाने और उसके रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश से ही हटाया जा सकता है। पूरे संघ को भंग करने का संविधान में कहीं किसी तरह का कोई जिक्र किया नहीं गया है। इसके लिए भी केंद्र सरकार को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करना होगा और यही कारण है कि चुनाव से पहले आरपीएससी को भंग करने का वादा करने वाली बीजेपी सरकार में आने के बाद भी इस दिशा में कुछ काम कर नहीं पा रही है। इस मुद्दे पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने भी पूर्व में ही यह स्पष्ट कर दिया था कि आरपीएससी को भंग करना इतना आसान नहीं है। आरपीएससी को भंग करने की जगह इसकी पारदर्शिता कैसे कायम हो, इस पर काम जरूर किया जा सकता है। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।